अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ऐड के बारे में, जिस ऐड का नाम है वीडियो व्यूज। आपने अक्सर देखा अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ऐड के बारे में, जिस ऐड का नाम है वीडियो व्यूज। आपने अक्सर देखा होगा कि आप YouTube पर जाते हैं या फिर Google पर जाते हैं या फिर आप कहीं और विजिट करते हैं तो बहुत सारी वीडियोज आती हैं, तो उन वीडियोस पे क्या होता है, एड्स लगे हुए होते हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गए हैं और हमारा ऑब्जेक्ट है वीडियो व्यूज लेकर आना किसी भी वीडियो पर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे क्या बोल रहा है, ये नेम डालिए। तो कैंपेन नेम डालते हैं यहाँ पर वीडियो व्यूज। इस बार मैं इसका नेम यही रहने देता हूँ, वीडियो व्यूज, ठीक है। और उसके बाद हम जो नया ऑप्शन हमारा दे रखा है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो मैं यहाँ पर 1000 कर देता हूँ। तो जैसे 1000 करता हूँ नीचे मुझे एक और नया ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस मिलेगा, वो किसका, एडसेट का। एडसेट के इंटरफेस पर सबसे पहले आपको एडसेट नाम रखना है, एडसेट नाम रखना है जो कि हमने पहले भी कैंपेन में रखा था वही रख दिया हमने यहाँ पर। इसमें आपको और क्या करना है कि ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। तो ऑडियंस मेरे पास ऑलरेडी इसकी दे रखी है, मान लीजिए मेरी वीडियो दे रखी है फॉर एग्जांपल के लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो उसके लिए मैं एक बार क्रिएट कर लेता हूँ ऑडियंस, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में कौन इंटरेस्टेड होगा, जो 18 साल से बंदा 18 साल से है तो मैक्सिमम हो सकता है कि 30, 32 या 40 तक भी वो इंटरेस्टेड हो। तो मैं इतनी ऑडियंस कर लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर साइज ऑडियंस दिखा रहे हैं 14 से 30, कितनी, 2,90,000 पीपल बता रहा है यहाँ पर। इसको आप एग्जैक्ट मान के मत चलिए, ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जेंडर, जेंडर कौन डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहेगा, ज्यादातर मैन सीखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर मैन का ऑप्शन दे देता हूँ। उसके बाद इस ऑडियंस को मैं सेव कर देना चाहता हूँ, ताकि हो सकता है कि नियर बाय फ्यूचर मुझे जरूरत पड़े तो इसका मैं यूज कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है मैनुअल का और ऑटोमेटिक का। तो मुझे क्या करना है, मैनुअल प्लेसमेंट करना है। और मैं इस वीडियो को कहाँ चलाना चाहता हूँ, मैसेंजर में नहीं चलाना चाहता, बाकी सभी जगह चलाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने सब प्लेसमेंट यहाँ पे सेट कर ली है। यहाँ पर देखिए आप वीडियो, फेसबुक वीडियो फीड्स दे रखा है, सब जगह चलाना चाहता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैंने इसलिए इस पर अनचेक नहीं कर रहा मैं किसी पर। यहाँ दे रखा है थ्रू प्ले, किसके द्वारा आप चलाना चाहते हैं, थ्रू प्ले का ऑप्शन रखा है, 2 सेकेंड कंटिन्यूस वीडियोज, मीन्स आपकी जो वीडियो दे रखी है उसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है थ्रू प्ले। इसमें ये क्या करेंगे, वी विल डिलीवर योर एड्स टू हेल्प यू गेट द मोस्ट कंप्लीटेड वीडियो प्लेस इफ द वीडियो इज 15 सेकेंड और शॉर्टर फॉर लॉन्गर वीडियोस, दिस विल बी ऑप्टिमाइज फॉर पीपल हु आर मोस्ट लाइकली। मतलब आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, करते हैं तो आपका एड उन्हें दिखाया जाएगा जो कि आपके ऑडियो के मोस्ट लाइकली है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 2 सेकेंड कॉन्टिन्यूस वीडियो, मीन्स वी विल डिलीवर योर एड टू गेट द मोस्ट वीडियो व्यूज टू कंटिन्यूस, मीन्स इसका मतलब है आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाई जाएगी, मिनिमम 2 सेकेंड तो दिखाई जाएगी। तो मैं चाहता हूँ यही वाली सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करता हूँ मैं इसमें, कि मेरी वीडियो मिनिमम 2 सेकेंड तो लोगों को दिखाई जाए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है स्टार्ट डेट, आप इसमें चूज कर सकते हैं करना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ सकते हैं। तो मैंने इसका ये वाला नेम रखा था तो इसको यही रहता है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज दोनों चूज है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो चूज करनी है। वीडियो चूज करने के लिए यहाँ पर ऐड वीडियो पे क्लिक करना है आपको, और ऐड वीडियो के बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो की जरूरत होगी, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं वीडियो के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक वीडियो दे रखी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ये वाली वीडियो मान लेता हूँ मैं, मेरे पास ये वीडियो दे रखी है, तो इस वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ, वैसे ही फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म पर ये अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद देखते हैं जरा, ये अभी प्रोसेसिंग के अंदर है, उसके बाद ये यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभी प्रोसेसिंग में है, एनकोडिंग हो रही है, देख लेते हैं जरा कितना टाइम लेता है एक बार को, और उसके बाद हम आएगा प्रोसेस जारी करेंगे, वेट कर लेते हैं जब तक के लिए। और जब तक नीचे ऑप्शन देखते हैं हम, हमें क्या डालना है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग से है तो मैं यहाँ पे जब तक टेस्ट डालता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी,
एजेंसी इन दिल्ली। मान लीजिए अगर मैं दिल्ली में रन करना चाहता हूँ इस कैंपेन को, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, लर्न वाई। दोस्तों आपको पता है कि हमने क्या कर लिया, टेस्ट तो लगा लिया और हमें यहाँ पर वीडियो ऐड करनी है। तो वीडियो ऐड करने के लिए क्या, मैं एक वीडियो को अपलोड करना चाहता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वीडियो है तो उसको मैं लगा सकता हूँ। चलिए चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी पड़ी हुई वीडियो तो मान लीजिए मैं इस वीडियो को लगाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो है ये, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रोसेसिंग के अंदर है अभी, इसका टाइटल दे रखा है कम खर्चे में डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा वीडियो है। मैंने एज ए बस डमी पर्पज के लिए मैंने वीडियो को उठा लिया है इसको, लेकिन आपको अपनी वेबसाइट या अपनी वेबसाइट पर वीडियो पड़ी है या फिर यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है उसी का यूज़ करना है। अदरवाइज जब किसी की वीडियो यूज़ करते हैं तो आपको कॉपीराइट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। लर्न वाय एक्स एक्सपीरियंस ट्रेनर, ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस ट्रेनर होगा। तो हमने यहाँ पर टैग डाल लिया और उसके बाद अगर ये वीडियो आपकी एम्बेड कर रखी है आपने कहीं पर, जैसे वेबसाइट पे कर रखी है, तो मैं इसमें हेडिंग तो यही रखना चाहूँगा, तो मैंने इस हेडिंग को यहाँ रखा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने ये वीडियो कहीं और लगा रखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये वीडियो यहाँ लगा रखी है अपने टॉप पेज पर, तो मुझे क्या करना है, इसका लिंक उठाना है और उसके बाद वेबसाइट के लिंक में यहाँ पर पेस्ट करना है। इसको हटा देते हैं ताकि हमारा यूआरएल काफ़ी अच्छा दिखने लगे, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी यही डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम इसी को सेटअप कर देते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, लर्न बाय एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर, ओके। तो हमने जैसे इसको फिट किया दोस्तों, यहाँ पर वीडियो अभी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग चल रहा है। जैसे ये फिनिश होगा आपको वीडियो का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। जब तक हम और सेटअप करते हैं, तो इन्होंने बोला यहाँ पर हमें क्या डालना है, लिंक। अभी शायद मैंने सेटअप किया था लेकिन बाय डिफॉल्ट वो कैसे लिंक हट गया यहाँ से, लेकिन हमें दोबारा तो उठाते हैं और इसको लिंक को वेबसाइट का यूआरएल और यहाँ पर डिस्प्ले लिंक दोनों को सेटअप कर देते हैं, ठीक। ऐसे ही ऐड आएगा, सेटअप करेंगे तुरंत तो दिखाई देगा यहाँ पर, एक बार प्रोसेसिंग डन हो जाने पर देख सकते हैं आप, वीडियो इस प्रोसेसिंग। उसके बाद जब तक हम नेक्स्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं इसके, उसके तो ऑप्शन दे रखा है लर्न मोर, तो हमें लर्न मोर पे ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर हम चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू मान लीजिए हमें क्या लेके आनी है, सब्सक्राइब लेके आना, तो हम सब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे, अगर आपको ट्रैक करना है इसको तो आप, जैसे मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, आपको एक URL तैयार करना है, जिसको किससे तैयार करते हैं, गूगल URL पैरामीटर बिल्डर, ठीक है। ये आप निकालेंगे तो आपको जो पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक करना है आपको, और उसके बाद ये देखिए मैंने कुछ देर पहले ही ऐड बनाया था, एक ऐड बनाया था उसका URL था ये, तो वही मेरी वेबसाइट का URL पड़ा हुआ है यहाँ पर, और मैं उसी को उठा लेता हूँ। मान लीजिए रियल इस्टेट है तो मैं इसको हटाकर यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इससे मुझे ध्यान रहेगा कि ये किसके लिए मैंने ऐड चलाया था, एनालिटिक्स के अंदर मेरे पास इसका डेटा आएगा तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ओके। तो उसके बाद हम इस पैरामीटर को सेट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए इन्होंने ये URL वेरीफाई कर रहा है और वेरीफाई करने के बाद एक्सेप्ट कर लेगा, देखिए इसलिए इसने कोई एरर नहीं दिखाया। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने वीडियो यहाँ पे सेटअप की है वो आ चुकी है। अब जो मेरी सबसे पहले क्या थी, हेडिंग थी, वो भी यहाँ पे आ चुकी है, और उसके बाद जो मैंने मेन हेडिंग डाली थी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, और इसके बाद मेरा डिस्क्रिप्शन था, प्राइमरी टेक्स्ट मेरा देख सकते हैं आप, ये वाला जो था प्राइमरी टेक्स्ट था वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मैंने क्या डाला था, हेडलाइन डाली थी, वो हेडलाइन यहाँ पर है। उसके बाद मैंने क्या डाला था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का URL डिस्प्ले URL ये वाला है हमारा, देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बड़े आसानी के साथ हमने अपना वीडियो व्यूज का एड तैयार कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको कंफर्म करना है और आपका एड जो है अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जैसे ही अप्रूवल होता है ये एड जो है लाइव हो जाएगा। जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो।